हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है एडिडाकिन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब तक के सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। पहली चीज मैं आपको बता दूं, मानसी को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर शो में, क्योंकि मानसी जब अपना ऑडिशन देने आई थी तो इनको वर्तिका झा की सिस्टर माना गया था, वर्तिका झा की सिस्टर का टैग मिला था। ऐसा क्यों मिला था मैं आपको बता दूं कि जो वर्तिका झा है हमारी स्कीपर, जैसा वो डांस करती है बिल्कुल वैसा ही डांस करती है मानसी, और इनको वर्तिका झा की बहन टैग हमारे रेमो डिसूजा सर जो हमारे जज हैं उनका ये बात कहना था। लेकिन इस हफ्ते के सैटरडे के एपिसोड में हमारे टाइगर श्रॉफ जो हमारे गेस्ट थे उनका भी ये बात कहना था। हालांकि वर्तिका और मानसी का अगर इन दोनों का एक साथ परफॉर्मेंस भी अगर देख लें तो काफी लोग इनको इन दोनों का परफॉर्मेंस को पसंद किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये उठता है कि वर्तिका मानसी का परफॉर्मेंस तो सभी लोग पसंद किए ही, लेकिन इस हफ्ते के सैटरडे के एपिसोड में वर्तिका और साध्या का भी परफॉर्मेंस काफी लोग पसंद किए जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हुआ था। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि वर्तिका मानसी और वर्तिका साध्या इन दोनों के परफॉर्मेंस को देखने के बाद इन दोनों में से सबसे ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस किसका था, तो वर्तिका मानसी का माना जा रहा है। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि वर्तिका मानसी या फिर वर्तिका साध्या इन दोनों में से आपका फेवरेट जोड़ी किसका लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कौन है कौन हो सकता है विनर डांस इन डांस लिटिल मास्टर शो का, आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कौन है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट ये भी बताइए। लव यू गाइस, अगले वीडियो में मिलेंगे एंड थैंक यू मेरे भाई लोग।